हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान की 14वीं विधानसभा का 11वां और अंतिम मॉनसून सत्र बुधवार से शुरू हुआ। पहले दिन 45 मिनट कार्यवाही चली, इसके बाद कार्यवाही गुरुवार सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले दिन सत्र शुरू होते ही निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने सीएम की राजस्थान गौरव यात्रा का विरोध किया। इस पर राजेंद्र राठौड़ और मदन राठौड़ के विरोध के बाद अध्यक्ष ने हनुमान को शांत करवाकर बिठा दिया। उसके बाद सदन में 6 विधेयक पुरस्थापन किए गए। पहले सत्र में 18 गणमान्यों के निधन पर शोकाभ्यक्ति भी की गई। उसके बाद अध्यक्ष ने गुरुवार 11 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त संशोधन अध्यादेश 2018 सदन की मेज पर रखा। उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने राजस्थान मूल्य परिवर्तित कर संशोधन अध्यादेश 2018, राजस्थान स्टाम्प संशोधन अध्यादेश 2018 पेश किया। चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर संशोधन विधेयक 2018 प्रस्थापित किया। प्रभारी मंत्रियों ने संशोधन विधेयक प्रस्थापित करते हुए विधेयक जारी रखने के कारणों का ब्यौरा भी सदन की मेज पर रखा। सदन की आज की कार्यवाही से विधायक माणिकचंद सुराणा को अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।